राइट नाउ आई एम हियर एट द एयरपोर्ट और मैं जा रही हूँ मसूरी फ्रॉम पुणे टू देहरादून. आई एम फ्लाइंग अलॉन्ग विद माई बेबी. शी सेड कि आपकी फ्लाइट तो मिस हो चुकी है. एंड आई वाज लाइक हाउ कम आई जस्ट 5 मिनट्स ही मुझे उतरे हुए होंगे. एंड गेस व्हाट, अब मैं अपना बैकपैक भूल गई हूँ एंड इट हैज ऑल माई इम्पोर्टेंट स्टफ. सो अभी सिक्योरिटी सब गए हैं एंड जस्ट ट्राइंग टू फाइंड माय बैग. राइट नाउ आई एम हियर एट द एयरपोर्ट और मैं जा रही हूँ मसूरी फ्रॉम पुणे टू देहरादून. आई एम फ्लाइंग अलॉन्ग विद माई बेबी एंड वेन कम्स टू आहाने काफ़ी रेस्टलेस हो रहा है बिकॉज इसको अभी यू नो ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो टू द फ्लाइट. सो आई वुड बी शेयरिंग विद यू माई ट्रैवल ब्लॉग अलॉन्ग विद माई लिटिल बॉय अहान. सो मैं अभी मैं और अहान ट्रैवल कर रहे हैं एंड वट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर बेबी आई वुड ट्राई टू टेल यू यू नो इन दिस ब्लॉग. एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द बैकपैक. मैं एक बैकपैक कैरी कर रही हूँ आन के साथ एंड आई हैव केप्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट आई नीड दैट हिज डाइपर हिज वाइप्स और जो भी ईटिंग स्टफ वो खाता है लाइक मखानाज फ्रूट्स इन लिमिटेड क्वान्टिटी जितना मुझे लगता है कि वो खाएगा दैट मच आई एम कैरिंग विथ हिम. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले लगेज का पॉइंट आप चेक कर लें कि कितना लगेज आप कैरी कर सकते हैं, उस हिसाब से वेट करें एंड उसी हिसाब से पैकिंग करें. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ योर बैक पैक एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ टू इंगेज दैम. बहुत हरी हो रहा है ही सिंह जस्ट अभी इट्स अभी अराउंड 1 आवर लेफ्ट है हमारी बोर्डिंग होने में बट ही इज़ इन अ हरी. उसको बस ही सिंह बस एरोप्लेन लेकर आओ. सो अभी जस्ट आई जस्ट ट्राई टू इंगेज हिम मेक हिम सी समथिंग अराउंड. सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग. We would be going in the aeroplane. Okay. You like going in aeroplane? Okay. You'll be seeing how big is the aeroplane? Very big. Very big. Very big. It's very big. Very big. Door. Yeah. Come, get in. Wow. All done. टर्मिनल 2 एंड हमें टर्मिनल 1 में आना था और मैंने अपना बैकपैक वहीं भूल गई. ये आते वक्त मुझे बस में याद आया और अभी मेरा बैकपैक मिल गया है. गॉट द फोटो एंड प्रॉब्ली आई बी गेटिंग बैक. सो एग्जैक्टली पूरी स्टोरी क्या है आई वुड बी गोइंग होम एंड टेलिंग यू बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट सो पजल्ड ना. आई डोंट नो आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एट द फ्लाइट. अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू go to Dehradun and head back to home, just relax and I'll be vlogging and telling you in detail कि exactly airport scene हुआ क्या, कैसे flights miss हो गई और अभी flights miss होने के बाद second problem, second negligence of course mine क्या हुई है, that was leaving my backpack. So अभी just मेरा backpack मिले so I would be catching up my flight to Dehradun. So that's all. तो बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे. I'm just so worried. Okay, so finally to Dehradun, got the bag and I'm on the flight and going to Dehradun. Finally, I'm in Dehradun along with Ahan and all my baggies. कुछ नहीं भूली हूँ, फिर से चेक कर लिया मैंने. Ahan boss, पहुँच गया? हाँ, ट्रॉली में जाएगा?
ट्रॉली में किराए का मतलब इसको ट्रॉली एजेंसी में जाएगा सो कल मैं घर पहुंच गई थी एंड एक साल बाद मम्मी पापा से मिलना ऑफ कोर्स इट्स अ गुड फीलिंग. सारी मॉम्स रिलेट कर सकती हैं कि काफ़ी टाइम बाद जब हम अपने मायके जाते हैं. सो यू आर सुपर हैप्पी. आहन भी बहुत हैप्पी है एंड उसको बिल्कुल भी नहीं लगा है, बिल्कुल भी कुछ भी नया उसको नहीं लगा है. इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर हिम. वो घर में जैसे एज यूजल पुणे में घूमता था वैसे ही यहाँ भी मसूरी में भी घूम रहा है एंड मसूरी की ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में मैं इंजॉय करने वाली हूँ और आने वाले व्लॉग्स में आपको मसूरी का लाइफस्टाइल और मसूरी की सारी स्पेशल चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी. सो मेरी जो कल की जर्नी थी, फ्लाइट जर्नी, इट हैड नॉट बीन ईजी एज यू सीन. मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून. यही हुआ जब मैं पुणे एयरपोर्ट पे पहुंची तो ही गेव मी टू बोर्डिंग पास ईच, दो मेरे और दो आहन के. सो एक बोर्डिंग पास था दैट वाज फ्रॉम पुणे टू दिल्ली एंड अनदर बोर्डिंग पास वाज फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून. सो ऑफकोर्स चार बोर्डिंग पास देखे, मुझे यही लगा कि दो दो बोर्डिंग पास हमारे ऐसे हैं कि हमें फ्लाइट ऑफकोर्स चेंज करनी, तभी चार बोर्डिंग पास हमको प्रोवाइड किए गए हैं. बिकॉज अगर सिंगल फ्लाइट होती जो कि थी दैट वॉज फ्रॉम पुणे टू देहरादून, डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मैं फ्लाइट से उतर गई थी. और जैसे मैं फ्लाइट से उतरी और जब तक कि, और जो मेरा दूसरा बोर्डिंग पास था दैट वाज फ्रॉम देहरादून दिल्ली टू देहरादून, उसमें इवन गेट नंबर और सब कुछ लिखा हुआ था. तो मैं जब उस गेट नंबर पे पहुंचे दे सर ये फ्लाइट तो मिस हो चुकी है, तो कब की जा चुकी है, नहीं फ्लाइट यहाँ पर शेड्यूल्ड भी नहीं है. सो देन आई गॉट टू नो कि यू नो देर वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम द पर्सन हु वॉज देर इन द काउंटर. उसने मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया. एंड जब मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में गई तो वहाँ का जो कस्टमर केयर सर्विस का पर्सन था ही जस्ट केम एंड ही सेड मैम इट्स योर मिस्टेक, यू मिस द फ्लाइट. देन एंड ही सेड कि 5:30 की फ्लाइट है, मुझे 2:30 देहरादून पहुँचना था. ही सेड कि 5:30 की फ्लाइट है, उसमें भी सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, अगर एक और सीट अवेलेबल हुई तो आप जा सकते हैं अपने बेबी के साथ देहरादून, अदरवाइज वी डोंट नो, आप अपना देख लीजिए. एंड आई जस्ट फ्रीक्ड आउट. आई सेड व्हाट एम आई गोना डू, ही सेड आप अपना देख लो. देन आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन, आफ्टर टेलिंग हिम अबाउट द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड एट द पुणे एयरपोर्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई गॉट द बोर्डिंग पासेस लाइक दिस एंड ही एक्सप्लेन्ड मी इन अ वे कि आपको वहाँ से फ्लाइट चेंज करनी है. सो दैट वॉज इन माई माइंड कि हाँ मुझे फ्लाइट चेंज करनी है एंड देन आई या फिर यू नो आई हैव टू चेंज द फ्लाइट. उसने मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन किया. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ यू नो डिस्कशंस उन्होंने मेरी फ्लाइट 5:30 शेड्यूल करी. सो फाइनली थिंग हैपेंड. सो जो मैंने पूरे इंटायर इंसिडेंट से सीखा है दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अगर आप अपने बच्चों का ट्रैवल कर रहे हैं. स्पेशली अगर कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि सेम फ्लाइट तो नहीं है, सेम फ्लाइट है और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एयरपोर्ट स्टाफ से पूछें या फिर बिल्कुल क्लियर करें कि आपको फ्लाइट चेंज करनी है या फ्लाइट चेंज नहीं करनी है. बिकॉज दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि फ़्लाइट चेंज करनी है नहीं करनी है. और अगर आपको बोर्डिंग पासेज यू नो दो चार प्रोवाइडेड हैं, आपको आपकी एक सिंगल, मान लो कि सिंगल फ्लाइट है, इट इज़ फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, तो आपको एक ही बोर्डिंग पास मिलेगा राइट. बट अगर आपको पुणे टू यू नो देहरादून जाना है सो आपको, और वो भी डायरेक्ट फ्लाइट है तो उसके लिए भी आपको एक ही बोर्डिंग पास मिलना चाहिए अगर सेम फ्लाइट है. बट अगर आपको कोई दो बोर्डिंग पास दे देगा तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में ही आएगा. सो यू हैव टू बी वेरी मोर रिस्पॉन्सिबल अपने टर्म्स में कि आप यू नो आपको कैसे ट्रैवल करना है. यू हैव टू बी अपने आप से हमें अवेयर होना चाहिए. सो मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है कि आई शुड बी बिट मोर अवेयर. प्लस मैंने अपना बैकपैक छोड़ दिया था टर्मिनल टू में विच लेड टू मच मोर केयर्स. सो मोरल ऑफ द लेसन इज यू नो योर बच्चे के साथ स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग तो यू हैव टू बी वेरी मोर अलर्ट. दो ये मेरी फर्स्ट ट्रिप नहीं थी आन के साथ, से पहले भी मैंने आन के साथ ट्रैवल किया और 5-5, 6-6 घंटे भी फ्लाइट लेट हुई है तो भी मैंने वेट किया. बट दिस टाइम यू नो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी. बट चलो फाइनली आई एम होम एंड आई एम गोना बी इन्जॉइंग हियर.
यू नो मैंने जनरली हम अपने लाइफ के गुड पार्ट्स दिखाते हैं व्लॉग्स में, बट ये पहला व्लॉग मेरा होगा जहाँ पे मैं अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आई फील कि हम जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ मेरी नॉलेज या मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से ही नहीं सीखते हैं। जो गलती मैं करती हूँ या जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, उसे भी मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो गलती मुझसे हुई है या फिर जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो किसी और के साथ ना हो, किसी और मॉम के साथ ना हो ट्रैवलिंग अलोन विद हर बेबी। So, I am ending today's vlog today, moms. आज मेरा first day है in Mussoorie. I would be relaxing, chilling out with mummy, papa and Ahan. And would be, you know, uploading more vlogs for you. What all I'm doing here, how Ahan is enjoying. I would also be meeting my sisters after very long time. So keep watching all the vlogs and thanks for all the love that I'm getting on my videos. It always encourages me to upload more and be, you know, be more vocal about my life and things that I actually experience in my lifetime. So thank you for all the support that you're giving me. So that's all for today's vlog, moms. Thanks for watching. Bye. Namaste, moms. Take care.